अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। खुदबुल्लापुर कॉन्स्टिट्यूंसी में पापी नगर एक एरिया में कुछ दिन पहले 7H ने आपको एक न्यूज़ दिखाई थी। वहां की रोड बहुत गंदी थी, लोगों को जाने आने के लिए तकलीफ़ हो रही थी। 7H न्यूज़ का ये असर हुआ है कि उस रोड की मरम्मत की गई और उस रोड को दुरुस्त किया गया। आइए देखते हैं ब्यूरो चीफ रहीम खादरी की ये रिपोर्ट। नाजरीन, आपने देखा है हल्का असम्बली खुदबुल्लापुर जो रंगारेड्डी नगर पापी नगर खुदरेड्डी नगर जो एरिया है, कुछ दिन पहले हमने 7H न्यूज़ के जरिए से ये यहाँ के मुकामी कारपेंटर और मुकामी MLA और हुकूमत तेलंगाना से अपील की गई थी कि यहाँ जाने आने वाले मुसाफिर को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ जब गड़े पानी पड़ने के बाद जो गड़े भर जाते हैं यहाँ पे पूरे, उसके बाद में लोग यहाँ से गुजरना पड़ते हैं, उनकी गाड़ी वगैरह भी ख़राब हो जाते हैं। इस वजह से हम लोग 7H न्यूज़ के ज़रिए से हुकूमत तक आवाज़ पहुँच रहे थे, हुकूमत तेलंगाना और यहाँ के पानी कारपेंटर जगन से भी हम मुलाकात करके उसके बारे में तफसीलात बताए थे और आवाम से भी हम लोग तफसीलात लेकर जो हुकूमत तक आवाज़ पहुँच रहे थे। उस वजह से आज ये रोड का काम जल्द से जल्द अंजाम दिया गया हुकूमत ने और अलहमदिल्ला यहाँ जाने आने वालों को काफ़ी मुश्किल हो रही थी। अभी सब सहूलतें सीधे सीधे अच्छी तरह अच्छी रोड बन गई है। आप देख सकते हैं इस इलाके में जिसका नाम पापी नगर का आ जाता है। कुछ दिन पहले हमने 7H न्यूज़ के जरिए बताए थे। मैं हूँ 7H न्यूज़ खुदबुल्लापुर पापी नगर। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चर्चा करना ना भूले। चैनल हज न्यूज़ आपकी आवाज़।